जर्नी मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन है। पहले तो मैं अपने इस नाम के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। मेरा नाम शिवेंद्र ओम सैन्योल है, और शिवेंद्र मतलब शिव और इंद्र, और मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मेरे पिताजी का उनका नाम है श्रीमान ओम प्रकाश जी, तो मुझे उनका जो नाम है उसमें से ओम लेने का सौभाग्य मिला है, तो मैंने अपने नाम के साथ में शिवेंद्र ओम लगाया है, तो शिव इंद्र और ओम। तो मैं जब भी अपना नाम किसी को बताता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ में पिताजी हमेशा साथ हैं। इस शरीर की पैदाइश जो है वो जयपुर शहर गुलाबी नगरी की है, और मैं वहाँ पर एक सिविल लाइंस करके एक जगह है जहाँ पे अक्सर जितने भी हर सिटीज़ होती हैं उनमें एक एरिया होता है जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स सीएम सब लोग रहते हैं, तो बस उसी एरिया में मेरी पैदाइश हुई। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो किसानों का है, तो मैंने बचपन से ही माता और पिताजी को, मेरे दादाजी को, दादी जी को, सबको, बड़े भाई साहब को खेती करते हुए देखा। गन्ने के खेत थे, तो बचपन में अक्सर मुझे याद है सप्ताह की एक छुट्टी हुआ करती थी, तो स्कूल से तो महाभारत खत्म होता था, उसके बाद में पिताजी के पास अभी भी है वो जावा मोटरसाइकिल, उस पे मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई साहब और पिताजी, हम वहाँ से निकलते थे और पिताजी हमें हर संडे खेतों में लेके जाया करते थे, और हम पूरा दिन भर जो है गन्नों के खेतों में मस्ती किया करते थे, घुमा फिरा करते थे, ट्यूबवेल में नहाया करते थे। तो वहाँ से शुरू हुआ, और शुरू होते होते मुझे लगता है कि मेरा कोई ऐसा विचार था नहीं कि जीवन में कभी मुंबई शहर जैसी जगह पे आके अपने आप को प्रोफेशनली इस जगह पे लेके आऊं, पर मैं कॉमर्स से था स्कूल में। मुझे याद है मैं 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल लगातार क्लास का मॉनिटर रहा। लास्ट के 2 साल 11वीं और 12वीं में मैं स्कूल का हेड बॉय था, और क्योंकि मेरी 100% अटेंडेंस हुआ करती थी, पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, और साथ ही साथ खेल में अक्सर मैं आगे रहा करता था, तो मुझे था कि मैं फौज में जाऊंगा या डिफेंस ऐसी कोई फोर्स में। तो करते करते फिर जीवन जो है वो आगे मुड़ता गया। मैं एक बार, मुझे याद है मैं फौज की तैयारी के लिए एग्ज़ाम थे मेरे, और उसी दौरान मैंने आईटी शुरू की थी, तो मैं मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वो कर रहा था, क्रॉस्पॉन्डेंस मणिपाल यूनिवर्सिटी से। तो मुझे याद है मैं कॉलेज से निकला ही था, और सामने एक वैन आके रुकी, तो वैन जब आके रुकी तो उसमें से कुछ 6-7 लड़के उतरे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे समाओ ऐसा लगा, ये बात आज से 20 साल पहले की है, तो मुझे लगा कि आज कुछ कांड होने वाला है। तो पर जब वो आए मेरे पास में तो मुझे पता लगा कि उनमें से एक मेरे परिचित हैं, और वो आके बोले कि अरे हम एक मिस्टर राजस्थान का कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं और प्लीज़ आप उसमें पार्ट लीजिए। तो मैंने कहा उनको कि मैं तो आईटी कर रहा हूँ अभी, मेरे पास सुबह से लेकर दोपहर तक का कॉलेज होता है, कैसे मैनेज करेंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम मैनेज करेंगे, आप थोड़ा आप भी कदम बढ़ाइए, थोड़ा हम भी करते हैं सहयोग। तो मैंने अपने कॉलेज में बात करी, फिर उधर सेट हुआ मामला, मैं वहाँ गया और मैं वो कॉन्टेस्ट जीता। तो मुझे लगता है कि जयपुर शहर में एक बिरला ऑडिटोरियम के नाम से एक जगह है, जो बहुत बड़ी एक जगह है, वहाँ पे माता पिता, मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, और जब नाम मेरा अनाउंस हुआ विजेता के तौर पे, तो वो खुशी, वो पिताजी के आँख में आंसू, जो खुशी के झलके, और एक दोस्त थे वो मेरे दिन वो स्टेज पर आ गए और उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया, वो हर्षोल्लास वाला मोमेंट। तो खैर वो जो हैवीनेस थी या जो खुशी की लहर थी वो काफ़ी दिनों तक चलती रही। पर मैं आईटी कर रहा था, और मैंने फिर ऐसे ही अपने दोस्तों के कहने पे मिस्टर इंडिया के, ग्रासी मिस्टर इंडिया उस समय हुआ करता था और ग्लैटर्स होता था, तो मैंने फॉर्म भर दिए थे। मेरी डांस में थोड़ी सी रुचि थी, क्योंकि मुझे याद है 12th के बाद में मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था और मैं हैमर थ्रो करता था, तो हैमर के सिलसिले में मैं स्टेट खेलने गया जोधपुर। उसके बाद कुछ फिजिकल इंजरीज के चक्कर में मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा, क्योंकि मैंने 3 साल किया था वो। मैंने उसके बाद डांस शुरू किया, और उस 2 साल के डांस के प्रैक्टिस ने मुझे, मुझे याद है जब मैं मिस इंडिया के लिए बॉम्बे आया, तो खैर बॉम्बे आने का भी एक बड़ा कमाल का एक वो मौका रहा, क्योंकि उस समय फ्लाइट में तो कहाँ कोई बैठा करता था, हमारे परिवार में से तो, क्योंकि किसानों के क्षेत्र से थे, तो कैसे तैसे करके एक फ्लाइट की टिकट बुक हुई, क्योंकि पिताजी ने कहा कि नहीं, माँ ने कहा कि
कि तो फ्लाइट में जाएगा। ठीक है, तो मुझे विदा करने के लिए पूरी कॉलोनी सारे दोस्त कुछ 40-50 लोग इकट्ठे हुए थे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। जब मैं आया यहाँ पे, आने के बाद में पहली बार घर से इतना दूर, घर वालों से दूर बाहर था, तो मुझे थोड़ा वो उनको मिस करने वाला जो मोमेंट था ना, वो शुरू हो गया था 3-4 दिन बाद। पर क्योंकि डांस मेरा ठीक था, तो मुझे एक दिन सुनने में आया कि शामक डावर जो हैं वो आने वाले हैं हमारी एक डांस की सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करने के लिए। तो मेरा नंबर, मुझे याद है उस समय मेरा नंबर था 9, तो मैं जानबूझ के, हम 28 लड़के थे, मैं सबसे पीछे पीछे जाके बॉल रूम में खड़ा हो गया। तो शामक डावर आए और उन्होंने आके कुछ स्टेप सिखाए, फिर वापस ही सिखाए, फिर उन्होंने कहा कि आप कीजिए। तो मुझे पता था कि क्या होने वाला है, बिकॉज मेरा जो हार्डवर्क था डांस को लेकर, जो मैं करके आया था, मुझे पता था उसका रिजल्ट क्या होगा। उन्होंने एक मेज पे खड़े होके बोला कि यू, तो मुझे पता था वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा हाँ, कौन कौन कौन, तो उन्होंने कहा कि नो, यू 9 नंबर। तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आज से जो हम कोरियोग्राफी कर रहे हैं उसमें आप सबसे आगे खड़े रहोगे और ट्रायंगल शेप में बाकी के 27 लड़के आपके पीछे खड़े होंगे। तो खैर, जब 21 मई 2003 को मैं परफॉर्म कर रहा था वो सीक्वेंस, और वो जी टीवी पे लाइव आ रहा था, मैंने वो परफॉर्म किया 2 मिनट 52 सेकंड की सीक्वेंस, पर मैं जीता नहीं और उससे मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था। और क्योंकि उसी साल मैं ग्लैटेक्स में भी था, तो अगले दिन 23rd या 24th को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से बॉम्बे के लिए ग्लैटेक्स की तरफ से। तो मैं फ्लाइट तो मैंने पकड़ी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बॉम्बे में था, तो मैं ओबेरॉय गया जहाँ पे हमारे रूम्स बुक थे, वहाँ जाके मुझे पता लगा कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, तो दिल थोड़ा सा और पसीज गया। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं वापस जयपुर के लिए रवाना हो गया। बीच रास्ते में मुझे जगदीश माली जी, एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया, तो उनका मुझे कॉल आया रात को 10 बजे के आसपास सूरत में। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जी टी पे लाइव देखा था और मैं एक डीजे अखिल का गाना है, वो उस समय रिमिक्स का बहुत क्रेज़ था, तो एक आंख मारूं तो पर्दा हट जाए जितेंद्र जी का, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम डांस अच्छा करते हो, तो मैंने तुम्हें देखा है जी टी पे लाइव, तो आ जाओ। मैंने कहा मैं घर जाके वापस आऊँ। मैं आया, आके वॉस्को सीजर उसके कोरियोग्राफर थे, वो गाना मैंने शूट किया और वो गाना रिलीज होने से पहले मैं वापस चला गया था। फिर एक दिन नहा के निकल रहा था घर पे जयपुर शहर में, मुझे एक कॉल आया कि सर आपका एक ऐड के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो मैं दोबारा आया, फिर मुझे समा हुआ ऐसा लगा कि शायद ये शहर तीसरी बार मुझे बुला रहा है, तो मेरा यहाँ रुकना कुछ समय के लिए वाजिब है। और उस समय मेरा गाना वो जो था वो थोड़ा हिट भी हुआ था, तो मुझे और भी काम के कॉल आने शुरू हुए। तो ये मेरा मुंबई शहर, जयपुर से मुंबई शहर आने का जो पूरी यात्रा रही और जो कारण रहे वो ये रहे।